हिमाचल प्रदेश के 9 बड़े नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है, जिनमें से 6 कांग्रेस के थे और 3 निर्दलीय थे। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन मौजूद हैं। सर, क्या वजह लगती है आपको कि क्या क्यों उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामा? उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं इतनी बढ़ गई थी, उनको ऐसा लगा कि हमारी इच्छाएं जो है वो यहाँ पे पूरी नहीं होंगी। उन्होंने प्रयास किया कि हमारी इच्छाएं यहाँ पूरी, क्योंकि मंत्री पद सबको तो दिया नहीं जा सकता, एक लिमिट है कि एक लिमिट के अंदर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उनको लगा कि हम यहाँ पे मंत्री नहीं बन रहे हैं, और उन्होंने दूसरी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रलोभन दिया होगा कि हम सरकार बनाएंगे तो हम आपको मंत्री बना देंगे, उस वजह से वो लोग चले गए। लगातार उन्होंने आज बयान भी मीडिया में वहाँ पर दिल्ली में दिए हैं कि मुख्यमंत्री उनके कार्य नहीं कर पा रहे थे, कार्य जो है उनके नहीं किए जा रहे थे, सुनवाई नहीं की जा रही थी, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने सभी चुनाव क्षेत्रों में एक समान विकास करने का प्रयास किया, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। रवि जी के चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी 4-5 दिन पहले जाकर आते हैं, और वहीं से वो 1500 रुपये जो हमने महिलाओं को अपने गारंटी में दिया था 1500 रुपये पर मंथ देने का, वहीं किससे उसकी शुरुआत की जाती है। तो क्या काम नहीं हो रहा था? वो उस मंच पर वो साझा कर रहे थे, मंच को, मुख्यमंत्री के मंच को साझा कर रहे थे। अगर नहीं थे तो उनको वहीं पर स्पीच देनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी मेरे काम नहीं कर रहे हैं। तो काम सबके हो रहे थे, उससे पहले वो बक्सर में गए हुए थे, उससे पहले वो धर्मशाला में गए हुए थे, सारे चुनाव क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जिन 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उन 6 के 6 चुनाव क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जाके आए हैं। गगरेट चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का डे वोटिंग स्कूल, जो राजीव गांधी डे वोटिंग स्कूल है, उसका पहले स्कूल की फाउंडेशन तो गगरेट चुनाव क्षेत्र में हुई है, चैतन्य जी के चुनाव क्षेत्र में हुई है। तो कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे थे और मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं कर रहे थे? ये तो सिर्फ आरोप लगाने की बात है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो अब आरोप लगाए हैं कि जी हमारे जो काम नहीं हो रहे थे, इसलिए हम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं जनता के सामने, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है, सब निराधार आरोप हैं। ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, उसके अनुसार जो है वो व्यक्तिगत इच्छा को पूरी करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस से आप वरिष्ठ नेता है और सुधीर शर्मा आपके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, ऐसे में आपने उनसे बातचीत नहीं की इस चीज़ को लेकर जो क्रॉस वोटिंग की थी कि अपनी सदस्यता यहाँ पर वापस ले ले या फिर कांग्रेस द्वारा से? देखिए, क्रॉस वोटिंग तो जब अंदर कर दी तो क्या बात करनी, वो तो जब वोटिंग कर दी तब हमें पता चला कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो उसमें तो बात करने का कोई उचित नहीं था। लेकिन जब उसके बाद हमें जब वो हाउस में आए थे तो हमें मिले थे और हमने उनसे कहा था कि ऐसी बातें ना करें, और कोई अगर आपकी कोई छोटी मोटी जो ग्रीवेंसीज हैं तो उनको बैठ के जो है वो बातचीत करके जो है वो आप जो है उसका समाधान करें, और पार्टी छोड़ने के लिए आप जो है वो ऐसा निर्णय ना करें, क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस पार्टी की रही है। आपके पिताजी ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को सींचा है हिमाचल प्रदेश में, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के राइट हैंड थे। पूरे प्रदेश में आपके जो है वो पार्टी को, पार्टी का नाम अगर जाना जाता तो उन लोगों का भी सहयोग था, योगदान था। तो आप ऐसा निर्णय ना करें, पर अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को तोड़ने के प्रयास किया है, सरकार को तोड़ने का असफल प्रयास किया है, उसमें वो आगे शामिल हो गए और उसमें जो है वो पार्टी उन्होंने जो छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भाजपा ये लगातार कह रही है कि 5 और विधायक उनके संपर्क पर हैं, और उसमें आपका जिक्र भी किया जा रहा है कि आप भी उनकी हिट लिस्ट पर हैं। देखिए, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक हमारे संपर्क में है। ये बोलने के लिए, अब इस दरवाजे के बाहर कौन क्या बोल रहा है, किसके बारे में, किसके मुंह पे, हम पट्टी नहीं लगा सकते। कोई भी आदमी कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन इन तथ्यों में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सब निराधार है। मैंने पहले कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, और प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं तो NSY यूथ कांग्रेस, कांग्रेस में हम लोगों ने बचपन से जो है इसी कांग्रेस पार्टी में जो है वो अपना जीवन दिया है। ये तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाऊँ। इसके अलावा जो सांसद है सुरेश कश्यप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर ये जिक्र किया है कि जून में जो है केंद्र में भी भाजपा सरकार बना रही है और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार। बहुत समय से ऐसी बातें कर रहे हैं वो, और वो डबल इंजन की बात करते थे। जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उसी दिन से वो प्रयास कर रहे थे। तो ये जो ऑपरेशन लोटस का जो सिस्टम इन्होंने चला रखा है, ये उनका कामयाब नहीं होगा। और जून में हम 9 सीटें और जीत कर, जो ये अभी बाई इलेक्शन होगा, 6 का अभी हो गया है डिक्लेयर, और 3 अगर ये जो एक्सेप्ट हो जाता है रेजिग्नेशन, तो 9 की 9 सीटें जो है वो हम कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी, हमारा नंबर फिर बढ़ जाएगा। तो ये जो है इनका
ज़्यादा मंसूबे जो है पूरे नहीं होंगे। अब कांगड़ा जिले से आप हैं, लोकसभा चुनावों के लिए कितना तैयार है? बिल्कुल, हम लोग जो है वो नॉट कांगड़ा, पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयार है और हम संगठित हैं चुनाव लड़ने के लिए। जल्द ही हमारे उम्मीदवार जो है वो हाईकमांड जो है डिक्लेयर करेगी और कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी और हम चारों सीटें जीतेंगे। किसी सीटिंग एमएलए का नाम भी लिया गया उस पैनल में? नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, सीटिंग एमएलए को देना है या कि बाहर से किसी व्यक्ति को देना है। कांग्रेस पार्टी उसी उम्मीदवार को देगी जो जिताऊ उम्मीदवार। माना यह जाए कांग्रेस जो है 5 साल सरकार चलाने वाली? बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख के रख लो अपनी पॉकेट में कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संगठित है और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक संगठित हैं, एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो 5 साल एक साथ रहेंगे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हम सरकार जो 5 साल चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ संजय रतन ज्वालामुखी से विधायक, साफ तौर पर कहना है कि 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलने वाली है और मुख्यमंत्री ही जो है वो नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।